नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज ठाकरे पर FIR, सभी धाराएं जमानती, भड़काऊ भाषण के आरोप में औरंगाबाद पुलिस का एक्शन। राहुल गांधी का नेपाली नाइट क्लब का वीडियो वायरल, हिंदुस्तान में गरमाई राजनीति। शहर में पारा लुढ़का, शहरवासियों के लिए सुकून की खबर, हीट वेव की स्थिति नहीं, गर्मी से राहत। अब खबरें विस्तार से। औरंगाबाद पुलिस ने 4 मई से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को बंद करने की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की धमकी पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक राजनीश सेठ ने कहा कि राज ठाकरे के भाषण को लेकर औरंगाबाद पुलिस आयुक्त उनके खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। राज ठाकरे पर दर्ज सभी मामले जमानती है। धारा 153 हिंसा के लिए भड़काना के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है, जबकि धारा 153A हिंसा को बढ़ावा देना के तहत मामला दर्ज होता तो वह गैर जमानती होता, लेकिन हिंसा न होने की वजह से यह संभव नहीं था। इस वजह से वह जमानत ले सकते हैं और जमानत मिलने पर गिरफ्तारी नहीं होगी। यही नहीं, FIR को अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। पुलिस ने उन पर धारा 116 जन समुदाय को अपराध करने के लिए उकसाना, धारा 117 अपराध करने में मदद करना या प्रेरित करना, धारा 153 जन समुदाय को हिंसा के लिए भड़काना के तहत मामला दर्ज किया है। मनसे की 3 मई को होने वाली राज्यव्यापी महाआरती रद्द कर दी गई थी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी घोषणा की थी। अब यह महाआरती 4 मई को करने का निर्णय कर लिया गया है। जिन मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगे रहेंगे उनके सामने ही लाउडस्पीकर लगाकर जोरदार आवाज में हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। इसके मद्देनजर जहां उपराजधानी में मस्जिदों के पास पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, वहीं 239 लोगों को विविध धाराओं के तहत नोटिस जारी किया गया है। अभी तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 639 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। आज का दिन पूरे महाराष्ट्र में होने वाले महाआरती के लिए चर्चा का विषय है। नागपुर में भी पुलिस विभाग द्वारा इस विषय को गंभीरता से लिया गया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का कहना है कि शहर में किसी भी प्रकार की महाआरती की अनुमति पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे फिर वह बड़े नेता हो या फिर कोई कार्यकर्ता। मस्जिदों पर लगे पोंगे उतारने का अल्टीमेटम मनसे की ओर से दिया गया था। इसी के साथ ही महाआरती का निर्णय लिया गया था। इसमें मनसे के साथ कई हिंदुत्ववादी संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का समावेश हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 5 दिवसीय निजी दौरे पर नेपाल में हैं। बताया जाता है कि वह नेपाल अपनी महिला मित्र सुमनिमा उदास के विवाह समारोह में सम्मिलित होने गए हैं, लेकिन एक अन्य महिला मित्र के साथ राहुल गांधी का नाइट क्लब का वीडियो वायरल होने के बाद देश के राजनीतिक हलकों में बवाल मचा हुआ है। सुमनिमा समाचार चैनल की संवाददाता रह चुकी है। वहीं म्यांमार में नेपाल की राजदूत रह चुके उनके पिता भीम उदास ने कहा, अपनी बेटी के विवाह में शामिल होने का निमंत्रण हमने राहुल गांधी को दिया है। सुमनिमा की शादी नीमा मार्टिन शेरपा से हो रही है। शादी मंगलवार को है और रिसेप्शन 5 मई को हयात रिजेंसी होटल में रखा गया है। राहुल गांधी सोमवार को नेपाल पहुंचे थे। राहुल गांधी का नाइट क्लब का वीडियो वायरल होने के बाद साथ दिख रही महिला को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वह नेपाल में चीनी राजदूत हाउ यांग की है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। शहर के सब्जी बाजार में टमाटर के दाम में आग लग गई है। सोमवार को थोक बाजार में टमाटर 1100 रुपए कैरेट और खुदरा में 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गया, लेकिन मंगलवार को अक्षय तृतीया और ईद के मौके पर थोक बाजार में दाम में थोड़ी गिरावट आई। अब भी खुदरा में टमाटर 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सोमवार को 1100 रुपए प्रति कैरेट तक का बिका टमाटर मंगलवार को 400 से 700 रुपए प्री कैरेट पर आ गया। बाजार में केवल टमाटर के दाम में ही ज्यादा उछाल देखा जा रहा है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण नागपुर समेत पूरे विदर्भ में पारा लुढ़कने से लोग भारी राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक दो दिन इसी तरह की राहत जारी रह सकती है। स्थानीय स्तर पर मौसम में होने वाली उथल पुथल के कारण हवा की गति तेज है। मंगलवार को नागपुर का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार हवा परिवर्तित होने से स्थानीय स्तर पर मौसम में हलचल ज्यादा हो रही है। यही कारण है कि अचानक बादल छाने के साथ ही शाम को तेज हवा चल रही है। जिले में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने से रात को थोड़ी ठंडक महसूस हुई। एक दो दिन गर्मी से राहत मिलने के बाद फिर गर्मी का सामना हो सकता है। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में फिलहाल हीट वेव की स्थिति नहीं है। बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तेज हवा चलने के साथ ही जिले में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। तापमान में एकदम से उछाल नहीं आएगा। कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस की सभा मुंबई में हुई, उसके बाद अब उनके भाषण का कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें वो शिवसेना को बाबरी मस्जिद मुद्दे पर खरी खोटी सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदुत्व है म्हणाले, बाबरी मशीद पडली तेव्हा कुठल्या बिळात होते? बंधू भगिनींनो, कोणीतरी फार चांगला प्रश्न या ठिकाणी विचारला। अरे म्हणाले, मशिदीवरचे भोंगे काढायला सांगितलेत, हातभर फाटली आणि हे सांगतात आम्ही बाबरी मस्जिद पाडली। युवक की तीक्ष्ण हथियार से हत्या कर उसका शव जलाने का प्रयास किया गया। इस सनसनीखेज वारदात को पार्शिवनी से लगभग 5 किलोमीटर दूर ईटगांव परिसर में सोमवार की रात में अंजाम दिया गया। मृतक की उम्र 35 वर्ष के करीब बताई जाती है, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मंगलवार की सुबह खेतीहर महिला मजदूरों को उक्त शव ईटगांव दिगलवाड़ी लघु सिंचाई नहर के समीप गौरव सादत करके खेत में दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पार्शिवनी पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में कयास लगाया जा रहा है कि युवक को चौपहिया वाहन से घटनास्थल पर लाया गया होगा। वहां चाकूनुमा हथियार से उसके सीने, पेट, पीठ, पैर पर वार किए गए। इसके बाद सबूत मिटाने के इरादे से युवक को मृत समझकर सादत करके खेत में स्थित झोपड़ी में फेंक कर आग लगा दी गई, लेकिन उसमें जान बाकी थी। युवक अधमरी हालत में जलती झोपड़ी से बाहर निकला, वह झुलस चुका था। झोपड़ी से कुछ दूर जाकर उसने दम तोड़ दिया। मृतक के दाएं हाथ पर महाकाल नाम और बजरंगबली का टैटू गुदा हुआ है।
हाथ में कड़ा और गले में ताबीज है। पारशिवनी पुलिस और ग्रामीण पुलिस की LCB जांच में जुटी हुई है। तो आज के इस मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक नमस्कार।